देखिए किस तरीके से। हाँ -45 डिग्री में शेड कर रहा हूँ, और आप कोशिश करनी है बीच में गैप नहीं होना चाहिए, स्मूथ शेडिंग अभी हमें करना है फोकस, कि स्मूथ शेडिंग आए। कुछ बच्चे बहुत जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर देते हैं और बीच में बहुत गैप बन जाता है, वो स्मूथ शेडिंग नहीं लाइनिंग शेडिंग होती है। वो आपको बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। वो बच्चे फटाफट ना इस तरीके शेड करते हैं जल्दी जल्दी, ऐसे ऐसे करते करते, और बीच में गैप बन जाता है और पैचेस बन जाते हैं। तो इस तरीके से भी नहीं करना है आपको, फोकस करना है जितना आप स्मूथ शेड कर सके, और बहुत स्लोली स्लोली करना है आपको, धीरे धीरे फोकस करके, ठीक है। अब सेकंड में हमें फर्स्ट वाले से थोड़ा डार्क करना है, तो मैंने थोड़ा सा पेंसिल को आगे से होल्ड कर लिया है, और आपको पूरे बॉक्स में ना इक्वल शेड रखना है। ऐसा नहीं करना है कि ऊपर डार्क हो गया नीचे आते आते लाइट हो गया, तो एक जैसा शेड रखना है आपको। और मैं हल्का हल्का देखो किस तरीके से पेंसिल चला रहा हूँ, थोड़ा राउंड फॉर्म में भी चला रहा हूँ पेंसिल को, इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। अब सेकंड वाले से थर्ड वाला बॉक्स एक पॉइंट और डार्क रहेगा, ऐसे ही हमें एक एक प्लस करते रहना है हर बॉक्स में, एक पॉइंट प्लस, फिर एक पॉइंट डार्क, एक पॉइंट डार्क, करते करते हमें जितना हाईएस्ट डार्क निकाल सकते हैं, जितनी दूर तक हम शेड निकाल सकते हैं उतना अच्छा है हमारे लिए। इससे आपकी शेडिंग पर बहुत अच्छे से कमांड बनेगी, आपको प्रेशर कंट्रोल आएगा आपके हैंड में कि कब कितना प्रेशर डालना है पेंसिल पर, ठीक है। तो इसकी आपकी डेली आप एटलीस्ट 10 बॉक्सेस की प्रैक्टिस डेली करिए। ऐसे फिफ्थ वाला बॉक्स पहले एकदम से डार्क नहीं करना है, पहले एक बेस शेड डालना है पूरे में, उसके बाद लेयर्स ऐड करनी, ना कि दबा के शेड करना। अगर दबा के शेड करेंगे आप तो वो लाइट के सामने बहुत शाइन आएगा शेडिंग पावर, और बहुत ज़्यादा चमकेगा बहुत ज़्यादा वो ना, और बहुत पीछे छप भी सकता है, ट्रेस भी हो जाएगा पीछे अगर आप ज़्यादा दबा के करेंगे तो। आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो अब मैं लेयर्स ऐड करूँगा ना कि इसको दबा के करूँगा शेड। देखो एक एक पॉइंट आप ऐड करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, फोर्थ वाले से वो फिफ्थ वाला बॉक्स ऑटोमेटिक डार्क हो जाएगा। देखिए फोर्थ से फिफ्थ वाला बॉक्स डार्क हो गया है। अब धीरे धीरे सेम चीज़ सेम प्रोसेस अब हम सिक्स में भी करेंगे, पहले एक लाइट शेड, ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसमें हम लेयर्स ऐड करेंगे। अब देखिए सिक्स वाला एक पॉइंट और डार्क हो गया। अब मैं पेंसिल को धीरे धीरे आगे से पकड़ता जा रहा हूँ, पहले एक लाइट शेड, उसके बाद हल्का सा मैं प्रेशर डाल के एक लेयर और ऐड करूँगा इसमें। वो धीरे धीरे अब ये शेड दोनों इक्वल हो गया है, मेरे को सेम लग रहा है, तो मैं एक लेयर और ऐड करूँगा इसमें जिससे कि वो एक पॉइंट और डार्क हो जाए, ठीक है। अब इससे ना इसमें एक लिमिट तक ही डार्क होगा इस पेंसिल तक, अब हमें चेंज करनी पड़ेगी पेंसिल क्योंकि ये अब इससे ज़्यादा डार्क हो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि हम दबाना नहीं चाहते ज़्यादा। अब मैं इस पेंसिल को यूज़ करूँगा 8A 10B का, ठीक है, या 8B का यूज़ कर सकते हैं, अभी मेरे पास 10B है इसलिए मैं 10B यूज़ कर रहा हूँ। पहले बेस शीट डालेंगे जैसे कि हमने सेवन्थ वाले बॉक्स में करा था, अब उसी तरीके से इसमें भी लेयर्स ऐड करेंगे। अब ये डार्क पेंसिल है, अब हम इसमें जितना डार्क निकालना चाहें उतना निकाल सकते हैं धीरे धीरे, बस लेयर्स ऐड करनी है क्योंकि ये डार्केस्ट पेंसिल है। इस पेंसिल से HB पेंसिल से हम एक लिमिट तक ही डार्क शेड तक जा सकते थे, उससे हाई जाने के लिए हम पेंसिल चेंज करने पड़ेगी हमें, इसलिए हम कोशिश करेंगे कुछ टाइम के बाद कि इसी पेंसिल से हम ये शेड भी निकाल सकें, ये भी निकाल सकें,
सारे हम इसी पेंसिल से कर सकते हैं, ठीक है। आपको पेंसिल की ज़्यादा हैबिट नहीं डालनी है अलग अलग पेंसिल्स की, आपको कोशिश करनी है कि एक ही पेंसिल जितना अच्छे से काम करेंगे आप उतना अच्छा होगा आगे के लिए भी। ना तो आपको हर बार अलग अलग पेंसिल्स कैरी करने पड़ेंगी, खरीद के लेके आने पड़ेंगी, तो उससे अच्छा है जितना हम 10 पेंसिल में खर्चा करेंगे उससे अच्छा एक पेंसिल ले लें और उसी से सारे काम करें हम। अब देखिए धीरे धीरे ये एक पॉइंट डार्क होता जा रहा है। सेम अब 9th वाले बॉक्स में भी ऐसी, पहले लाइट शेड, फिर एक शेड और ऐड करा, फिर एक और बार ऐड करा, जब तक वो उससे एक एक पॉइंट डार्क ना हो जाए तब तक हम धीरे धीरे उसमें लेयर्स बढ़ाते रहेंगे। जब लगेगा कि हाँ अब एक पॉइंट डार्क हो गया फिर हम आगे मूव करेंगे, उससे पहले मूव नहीं करना है। आप किसी भी एंगल में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 45 डिग्री में ही करना है। काफ़ी लोग कहते हैं 45 डिग्री में ही करना है, बट ज़रूरी नहीं है आपको 45 डिग्री में करना है, लेकिन मेन जो मोटिव है वो है स्मूथ शेडिंग होनी चाहिए। आप किसी भी एंगल में करिए, एंगल्स नहीं दिखने चाहिए ऐसे ऐसे, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं फिर ऐसे ऐसे, तो वो एंगल्स नहीं दिखने चाहिए, इतना स्मूथ होना चाहिए कि पता नहीं लगना चाहिए कि किस एंगल में पेंसिल को चलाया है। देखिए मैं ऐसे भी चलाऊँगा ऐसे भी चलाऊँगा तो वो एंगल्स नहीं दिखेंगे मेरी शेडिंग में ना। देखिए हर एंगल में चला रहा हूँ पेंसिल में, ज़रूरी नहीं है कि 45 डिग्री में ही चलाना है। बस ये है कि 45 डिग्री में थोड़ा अच्छे से शेड हो जाता है, करने में थोड़ा इजी होता है, बाकी आप किसी भी एंगल में कर सकते हैं जैसे भी आप कंफर्ट हो।